डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशलॉजिकल क्वेश्चन दैट वट डिटर्मिन्स सोशल क्लास एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर हु टॉक्स अबाउट द प्रॉपर्टी पावर एंड प्रस्टीज सोशल क्लास के ऊपर हमने बहुत बात की है क्योंकि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और क्लास बेस सिस्टम को हम देखते हैं कि ये पोटेंशली इनक्वालिटी के ऊपर मबनी होता है और ख़ास तौर पे जब हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें हमें नज़र आता है कि पोटेंशली ये जो क्लास बेस्ड सिस्टम है ये एक स्ट्रेटिफिकेशन के थ्रू इनक्वालिटी प्रोड्यूस करके माशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इम्बैलेंस इम्बेलेंसेज़ और लेसर अपॉर्चुनिटीज़ फ़ॉर अ सर्टेन क्लास प्रोड्यूस करता है तो इस सवाल के ऊपर हम गौर करते हैं कि आखिर सोशल क्लास को कौन सी चीज़ें हैं जो डिटर्मिन करती हैं क्या सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिनसे हम सोशल क्लास को डिफ़ाइन कर सकते हैं या कोई और फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से सोशल क्लास डिफाइन हो सकती है क्योंकि इससे पहले जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आते हैं उसमें प्री डामेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें मार्क्स जो है वो क्लास को एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ ही डील करता है और उसके ख्याल में इकॉनमी जो है ये सेंट्रल पॉइंट होती है या सेंट्रल फोकस होती है जिसकी वजह से क्लास डिटर्मिन होती है सो मैक्स वेबर वाज अ जर्मन सोशोलॉजिस्ट हु डेवलप्ड अ थीरी ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेस्ड ऑन थ्री की फैक्टर्स प्रॉपर्टी पावर एंड प्रेस्टिज मैक्सवेवर का ख्याल था कि सिर्फ इकनॉमिक्स ही जो हैं वो अहम रोल प्ले नहीं करती है इकनॉमिक्स का एक अहम रोल तो है लेकिन वो सेंट्रल रोल शायद प्ले नहीं करती है बल्कि बहुत से दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोशल क्लास डिफाइन हो सकती है फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रॉपर्टी ऑनरशिप द पावर डैट यू आर पोजेसिंग ये पावर जो है ये फोर्स भी हो सकती है या दूसरे लफ्जों में जो लेजिटिमेट पावर होती है जिसको हम अथॉरिटी का नाम देते हैं वो भी हो सकती है और फिर जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपकी सोशल प्रेस्टीज सोशल प्रेस्टीज जो है वो सोसाइटी के अंदर आपके लिए जो डिफाइंड सोशल स्टेटस होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर डिटरमिन हो सकती है उसमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ़ इकानमी आ, का आंसर मौजूद नहीं है मिसाल के तौर पे आपकी सोसाइटी के अंदर इकनॉमिक पोजिशन के बग़ैर भी प्रेस्टीज हो सकती है आपको क्रिजमेटिक या रिलीजियस पर्सनालिटी हो सकते हैं जिसकी बुनियाद पे मुशर जो है वो आपको वैल्यू करता है और आपकी प्रेस्टीज हो सकती है तो अकॉर्डिंग टू वेबर सोशल क्लास इज़ बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल एक्सेस टू दीज थ्री फैक्टर्स तो ये डिपेंड करता है किसी के पास किस फैक्टर तक की एक्सेस है कुछ लोग होंगे उनके पास सिर्फ प्रॉपर्टी होगी कुछ के पास पावर होगी और कुछ के पास प्रेस्टीज होगी जितनी ज़्यादा फैक्टर्स किसी के पास होंगे उतनी ही उसकी जो सोशल क्लास है वो हाई होगी सो प्रॉपर्टी रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ऑनरशिप ऑफ एक्नॉमिक रिसोर्सेज सच एज लैंड मनी एंड अदर एसेट्स पावर रिफ़र्स टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एग्जर्ट इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर्स वेदर थ्रू पोलिटिकल एक्नॉमिक और सोशल मीन्स तो आप किसी भी तरह से अगर दूसरों के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस रख सकते हैं चाहे वो आपका पोलिटिकल इन्फ्लुएंस हो या आपका एक्नॉमिक स्टेटस हो जिसकी वजह से लोग आपकी बात मानते हैं या आपके अदर सोशल मीन्स हों जैसे कि पहले हमने जिक्र किया आप कोई क्रिजमैटिक पर्सनैलिटी हैं या कोई रिलीजियस लीडर हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी आप दूसरों को जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो पावर जो है वो चूँकि दो तरह की होती है जो एक फोर्स जिसको हम एक फोर्स कह सकते हैं और दूसरी काइंड ऑफ पावर जिस जो कि लेजिटिमेट पावर होती है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं थर्डली द प्रेस्टीज विच रिफर्स टू द सोशल स्टेटस एंड रिकोगशन दैट एन इंडिविजुअल रिसीव्स बेस्ड ऑन देर अचीवमेंट्स एंड सोशल पोजिशनस तो जो सोसाइटी के अंदर आपकी अचीवमेंट्स होती हैं जैसे कि आपने अगर मुकाबले का इम्तहान दिया एंड यू फाइंड अ डिस्टिंक्टिव पोजीशन इन द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो वो भी एक प्रेस्टीज का सिंबल है इसी तरह से अगर यू आर हैविंग अ हायर स्टेटस प्रोफेशन जैसे कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं तो वो भी आपकी प्रस्टीज की रिफ्लैक्शन हो सकता है इन पाकिस्तान सोशल क्लास इज़ ऑफटन डिटर्मेंट बाय अ कम्बिनेशन ऑफ दिज थ्री फैक्टर्स विद एक्नॉमिक रिसोर्स पोलिटिकल कनेक्शन एंड सोशल स्टेटस ऑल प्लेइंग द इम्पॉर्टेंट रोल्स इन डिटर्मनिंग एन इंडिविजअल सोशल पोजिशन तो ऐसा नहीं है कि किसी एक फैक्टर की वजह से ही जो है सोशल क्लास डिटर्मेंट हो सकती है अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो ही आपकी क्लास डिटर्मिन होगी या आप एलिट क्लास कंसीडर होंगे बल्कि मैक्स लेबर के ख्याल में आपकी जो प्रेस्टीज है आपकी जो सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट है और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप है वो भी आपके लिए जो है क्लास को डिटर्मिन कर सकती है